नमस्ते प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव में शनिदेव के फल पार्ट टू में आपका स्वागत है। पार्ट वन में मैंने बताया था कि शनिदेव किन चीज़ों के कारक हैं, सप्तम भाव किन चीज़ों को दर्शाता है, और शनिदेव जब सप्तम भाव में होंगे तो उनकी पूर्ण दृष्टि, प्रथम दृष्टि नारी ज्योतिष में हम मानते हैं कि वो सप्तम भाव पे ही पड़ेगी। तो सप्तम भाव मुख्यतः हमारी शादी को दर्शाता है और जैसे व्यवसाय को भी दर्शाता है। तो किस तरह से शनिदेव सप्तम भाव में बैठ के हमारे जीवन के इन क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, ये मैंने पार्ट वन में बताया था। तो ज़रूर पार्ट वन का जो वीडियो है, अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। आज है पार्ट टू का वीडियो, मतलब आज मैं बताऊँगी कि नाड़ी ज्योतिष में जो बाकी की जो दृष्टियाँ हैं उन्हें हम किस तरह से लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अब शनिदेव की जो दूसरी दृष्टि है वो पड़ेगी किस भाव पे। वो पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव ससुराल का भी भाव है। अष्टम भाव से हम जो शादी हम देखते हैं सप्तम भाव से, और जैसे शादीशुदा ज़िंदगी को हम अष्टम भाव से भी देखते हैं। जैसे शादी के बाद की जो ज़िंदगी है उसे हम अष्टम भाव से भी देखते हैं, और जैसे ससुराल वालों को भी अष्टम भाव से देखा जाता है। तो अगर शनिदेव की स्थिति सप्तम भाव में अच्छी है, शनिदेव अपनी राशि में है कुंभ या जैसे मकर में है, या अगर शनिदेव अपनी उच्च राशि में है तुला राशि में है, या अगर शनिदेव अपने मित्र राशि में है जैसे मिथुन राशि, कन्या राशि या वृषभ राशि में, तब देखा गया है कि और अगर शनिदेव के ऊपर कोई जैसे शनिदेव के किसी शत्रु ग्रह का कोई प्रभाव भी नहीं है तो शनिदेव अच्छे फल ही देते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी से जुड़े हुए, जैसे समय के साथ साथ जातक की जो शादी है, अगर शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी आई थी लेकिन समय के साथ साथ जातक की जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो संभल जाती है और उनकी जो उसका जो शादी है, जातक की जो शादी है वो सफल हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। और ससुराल वालों के साथ भी संबंधों में सुधार आ जाता है, और शनिदेव अपने फल जैसे 35 साल के बाद बहुत अच्छी तरह देते हैं। तो 35 सालों के बाद, जैसे 30 या 35 साल के बाद ससुराल वालों से भी संबंध अच्छे बन जाते हैं। और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अष्टम भाव जो है वो जैसे शादी के बाद जो जॉइंट एसेट्स होते हैं, जो जैसे पति पत्नी मिलके जो भी संपत्ति बनाते हैं वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं, या जो भी फंड्स हैं उनके जो भी बॉन्ड्स या जो भी वो अब उनके जो जॉइंट जो एसेट्स होते हैं तो उनमें भी जैसे अब क्या है थोड़ी सी विलंब की स्थिति आ जाएगी। जैसे जॉइंट एसेट्स वो बना तो लेंगे लेकिन थोड़ी सी विलंब की स्थिति पैदा कर देंगे क्योंकि शनिदेव की दूसरी दृष्टि पड़ रही है। तो जैसे समय के साथ साथ वो जॉइंट एसेट्स या अपनी संपत्ति भी बनाएंगे शादी के बाद, लेकिन उसमें थोड़ी सी विलंब की स्थिति उत्पन्न होगी। हम कह सकते हैं कि जैसे 35 या 40 साल के बाद ही वो अपने जॉइंट एसेट्स बना पाएंगे। और जैसे अष्टम भाव से हम अचानक घटने वाली घटनाओं को देखते हैं, अचानक से लॉटरी लग जाना, तो शनिदेव जैसे कि विलंब की स्थिति को दर्शाते हैं और शनिदेव रिस्ट्रिक्शन या बाधा को दर्शाते हैं। तो कोई भी घटना जो अचानक से घटने वाली थी अब शनिदेव उसमें थोड़ी बहुत बाधा पैदा कर सकते हैं। अचानक से अगर कोई लाभ होने वाला था, पैतृक संपत्ति मिलने वाली थी विरासत में, तो वो भी आपको मिलने में देरी हो जाएगी। शनिदेव ऐसा नहीं है कि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपको वो नहीं मिलेगी, मिलेगी ज़रूर लेकिन विलंब की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर शनिदेव की स्थिति लगभग ठीक है आपकी कुंडली में तो आपको पैतृक संपत्ति भी मिलेगी लेकिन विलंब की स्थिति, आपको जैसे धैर्यवान होकर रुकना पड़ेगा, उस सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ऐसा है। और अष्टम भाव से हम देखते हैं एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाओं को, तो शनिदेव उनको भी जैसे नियंत्रित कर देंगे, उनको भी जैसे वो भी एक्सीडेंट्स को भी शनिदेव रोक देंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अष्टम भाव से जो भी हम जैसे नकारात्मक चीज़ों को देखते हैं तो उन सब चीज़ों में शनिदेव बाधा पैदा कर देंगे। खासकर अगर शनिदेव की स्थिति ठीक है या अच्छी है तब तो जो भी हम चीज़ें अष्टम भाव से देखते हैं, जिन चीज़ों से हम डरते हैं, उन सारी चीज़ों को, सारी चीज़ों में शनिदेव क्या करेंगे, बाधा उत्पन्न कर देंगे और वो चीज़ें हमारी, हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और
अष्टम भाव से हम जैसे रहस्यमय विद्या को भी देखते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक और शनिदेव भी जैसे रहस्य को दर्शाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है जातक को इन सब चीज़ों में रुचि हो लेकिन वो इसके बारे में कभी खुल के किसी को ना बोले, उसको जैसे ऑकल्ट साइंसेज में या जैसे उसे ज्योतिष विद्या में उसे रुचि हो सकती है, लेकिन शायद वो इस बारे में जैसे किसी के शायद किसी के सामने उसने इस बारे में कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन इन सब चीज़ों के प्रति भी समय के साथ साथ जातक का थोड़ा बहुत झुकाव हो सकता है। और जैसे अष्टम भाव से हम जो भी देखते हैं, जैसे अष्टम भाव से हम ये भी देखते हैं जैसे टैक्सेस को देखते हैं, इंश्योरेंस को भी देखते हैं, तो इंश्योरेंस से भी अगर आपको कोई लाभ होने वाला था तो वो भी जैसे उसमें भी शनिदेव डिले या विलंब की स्थिति पैदा कर देंगे, लेकिन समय के साथ साथ आपको इंश्योरेंस में अगर आपने इन्वेस्ट किया है इंश्योरेंस के किसी स्कीम में या प्रोजेक्ट में किसी पॉलिसी में इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो उससे भी आपको लाभ ज़रूर होगा, खासकर 35 साल के बाद ये हम कह सकते हैं। अब हम चलते हैं जैसे शनिदेव की जो अगली दृष्टि है, मतलब तीसरी दृष्टि नारी ज्योतिष में आपके प्रोफेशन करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पड़ रही है, वो दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव पे। तो नवम भाव से हम जैसे हायर एडुकेशन को देखते हैं, उच्च शिक्षा को, और प्रोफेशन कहें तो नवम भाव से हम टीचिंग के प्रोफेशन को देखते हैं, काउंसलिंग के प्रोफेशन को देखते हैं। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो आप इन सब प्रोफेशंस के साथ जुड़े हो सकते हैं, आप एक टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, आप एक एडवाइज़र हो सकते हैं, आप एक प्रीस्ट हो सकते हैं, मतलब पुजारी हो सकते हैं, किसी भी धर्म के आप पुजारी हो सकते हैं नवम भाव से, अगर वो नवम भाव पे दृष्टि पड़ रही है। और जैसे आपके प्रोफेशन के लिए, आपकी आपके करियर के लिए आपको लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती है, आप विदेश जा सकते हैं, लंबी यात्रा कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के लिए, ऐसा भी हम देख कह सकते हैं। और अगर शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो आप लंबी यात्रा तो करेंगे लेकिन उसमें विलंब की स्थिति या बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आपको लंबी यात्राओं के साथ आपके प्रोफेशन का संबंध हो सकता है। और नवम भाव पिता का भी है, तो अगर शनिदेव की स्थिति, माफ़ कीजिएगा, अगर कुंडली में अच्छी है तो पिता के प्रति भी आप जैसे कर्तव्य परायण होंगे, और अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो पिता भी एक बहुत ही मेहनती और एक बहुत ही जैसे वो ज़िम्मेदार इंसान होते हैं, क्योंकि पिता पे भी जैसे पिता के भाव पे ये दृष्टि पड़ रही है, तो पिता भी वैसे ही होते हैं, बहुत ही कर्मठ। और आप भी जैसे समय के साथ साथ आप अपना दायित्व, अपना कर्तव्य पिता के प्रति आप निभाएंगे, लेकिन अगर शनिदेव की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है तो पिता के साथ मतभेद, पिता के साथ संबंधों में परेशानी, और जैसे समय के साथ साथ ही फिर जैसे 35 साल के बाद ही जैसे आपके संबंधों में सुधार आ सकता है। नवम भाव जो है वो भगवान का, आपके धार्मिक आस्था का, धर्म का भी है, तो अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो ज़रूर जैसे समय के साथ साथ 30-35 साल के बाद आप जैसे धर्म में भी आप मतलब, लेकिन क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आप जैसे हमेशा यही मानेंगे कि जैसे आप भगवान में विश्वास रखेंगे और अपने कर्म में विश्वास रखेंगे, आप धर्म के आडंबर में कभी विश्वास नहीं रखेंगे। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो आप ये मानेंगे कि हाँ मुझे धर्म के पथ पर चलना है और कर्म ही मेरा धर्म है, और लेकिन मुझे धर्म के आडंबर में आपको यकीन कभी नहीं होगा। और अगर शनिदेव की स्थिति पीड़ित है तब ऐसा भी हो सकता है कि जातक अपने ही धर्म के प्रति, जैसे जातक अपने ही धर्म में उसकी बिल्कुल भी आस्था ना हो, ऐसा भी हो सकता है अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो। नवम भाव हमारे भाग्य का भाव है, तो भाग्य उदय होने में देरी, विलंब की स्थिति, जैसे जातक का भाग्य उदय होगा 30 या 35 सालों के बाद, 35 साल की उम्र के बाद ये हम कह सकते हैं। उसके बाद शनिदेव की जो पंचम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 11वें भाव पे। 11वां भाव हर तरह के लाभ का है। पंचम दृष्टि नारी ज्योतिष में एक त्रिकोण दृष्टि है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्योंकि ये एक शुभ दृष्टि है तो जैसे जातक को लाभ ज़रूर होगा समय के साथ साथ, अगर वो परिश्रम करता रहे धैर्यवान होके, अगर वो धीरज के साथ परिश्रम करता रहे, अनुशासित बन के रहे, तब वो ज़रूर जैसे उसे हर तरह
का लाभ देखने को मिलेगा अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए, जैसे उसके उसकी समृद्धि में भी जैसे वृद्धि होगी, उसकी जो इनकम है, उसकी जो आय है वो भी बढ़ जाएगी, हर तरह से उसे लाभ होगा। और जातक के जो 11वां भाव हमारे मन की इच्छाओं का भी है, कामनाओं का भी है, तो आपकी जो भी मन की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है, जीवन का जो भी लक्ष्य है वो भी पूरा होगा, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन थोड़ी सी विलंब की स्थिति पैदा होगी ज़रूर। और जैसे 35 साल के बाद ज़रूर आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, कामनाएं हैं, वो पूरी होंगी। और आपके बड़े भाई बहनों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके सामाजिक जो दायरे में जो भी लोग हैं उनके साथ आपका जो संबंध है वो दिन ब दिन सुधर जाएगा। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो उनसे भी जैसे आपको हर तरह से सहायता मिलेगी, खासकर 35 साल के बाद, 30-35 साल की उम्र के बाद। अब हम चलते हैं शनिदेव की अगली दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि, बहुत महत्वपूर्ण, जो पड़ेगी आपके प्रथम भाव पे। सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पे पड़ेगी। अब शनिदेव की स्थिति अगर अच्छी है तो प्रथम भाव जो है वो आपके व्यक्तित्व का है, तो जातक बहुत ही अनुशासित होगा, कर्मठ होगा, बहुत ही जैसे समय का पाबंद होगा, कर्तव्य परायण होगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है आपके प्रथम भाव पे। शनिदेव जैसे उन लोगों को भी दर्शाते हैं जो सबॉर्डिनेट्स हैं, हेल्पर्स हैं, वर्कर्स हैं, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो मतलब सर्वेंट्स और डोमेस्टिक हेल्प जो होते हैं, तो उनको भी शनिदेव दर्शाते हैं। फोर्थ ग्रेड स्टाफ एम्प्लॉयज़, जो बहुत ही जैसे एल्डरली या जो बुज़ुर्ग लोगों को भी शनिदेव दर्शाते हैं। तो जातक के मन में उनके लिए दया की भावना, उनके लिए सहानुभूति, उनके लिए इज्जत जातक के मन में ज़रूर होगी, अगर क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके प्रथम भाव पे पड़ रही है, तो आपकी आपका व्यक्तित्व ही ऐसा होगा कि आप हमेशा उनके लिए खड़े होंगे, आप कभी भी उनके साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा अगर आप करेंगे तो शनिदेव भी आपको बहुत अच्छे फल समय के साथ साथ देंगे। और अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में, तब क्या हो सकता है, तो जातक जैसे बहुत ही ऐसा हो सकता है शक की किस्म का, हर चीज़ पे शक करना, हर चीज़ को संदेह की निगाहों से देखना, या जैसे ये भी कह सकते हैं कि नकारात्मक सोच जातक के मन में उत्पन्न हो सकता है। जातक बहुत ही निराशावादी हो सकता है, पेसिमिस्टिक हो जाएगा, जातक बहुत ही सीक्रेटिव हो जाएगा, हर के किसी से जैसे छुप के रहना, हर किसी से, समाज से, परिवार के लोगों से हमेशा अलग रहना, इस तरह का एक स्वभाव जातक में आ सकता है। या जैसे लोगों को धोखा देना, धोखा देने की भी प्रवृत्ति जातक में आ सकती है अगर शनिदेव पीड़ित हैं और उनकी दृष्टि जातक के व्यक्तित्व पर पड़ रहा है। और अगर शनिदेव की स्थिति ठीक है, अच्छी है, तब तो जातक बहुत ही जैसे एनालिटिकल होगा। एनालिटिकल मतलब किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना, किसी भी चीज़ के तह तक पहुंचना, जड़ तक पहुंचना, किसी जातक बहुत ही जैसे जातक का दिमाग बहुत तेज़ होगा, वो बहुत शातिर होगा, बहुत चालाक होगा जातक, जिसे कहते हैं ना बहुत ही इंटेलिजेंट होगा जातक, मेधावी हम कह सकते हैं, बहुत मेधावी होगा, और हर चीज़ के मतलब जैसे वो हर चीज़ को रिसर्च करना कर पाएगा। इसलिए तो हम देखते हैं ना, अगर शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है तो जैसे जातक का प्रोफेशन ये भी हो सकता है कि बहुत वो अच्छा वकील हो सकता है, या जज हो सकता है, या जातक जो है वो किसी भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में एक बहुत ही ऊंचे पद पे हो सकता है, तो ये भी हम कह सकते हैं। जातक कभी शनिदेव की स्थिति अगर बहुत अच्छी है तो शनिदेव 8वें भाव से भी जुड़े हैं, जो काल पुरुष के 8वें भाव के वो कारक हैं, तो शनिदेव से हम टेक्नोलॉजी को भी देखते हैं। तो अगर शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है तो जातक बहुत अच्छा साइंटिस्ट भी हो सकता है, बहुत अच्छा रिसर्चर हो सकता है, टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़, बहुत अच्छा हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो अब हम चलते हैं शनिदेव की जो अगली दृष्टि है, वो है शनिदेव की नवम दृष्टि, जो पड़ेगी आपके
तीसरे भाव पे, ये भी एक त्रिकोण दृष्टि है जो कि बहुत ही शुभ है और महत्वपूर्ण है। त्रिकोण दृष्टि तीसरे भाव पे, तीसरा भाव हमारे जैसे पुरुषार्थ का है, परिश्रम का है। अब शनिदेव भी परिश्रम को दर्शाते हैं, मेहनत को दर्शाते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की स्थिति अगर ठीक है तो आप लगातार परिश्रम करने में यकीन करेंगे, आप पुरुषार्थ में विश्वास रखेंगे और आप हमेशा ये सोचेंगे कि मुझे अपने दम पे कुछ करना है। अगर कोई बात नहीं, अगर जातक के पास अगर पैतृक संपत्ति नहीं थी, अगर जातक के पिताजी या जातक एक ऐसे परिवार, पिताजी बहुत धनवान भी अगर नहीं थे, अगर जातक कोई ऐसे परिवार से नहीं आता है जो कि बहुत ही जैसे धनी परिवार है, लेकिन फिर भी जातक जीवन में बहुत जैसे सफलता प्राप्त कर पाता है अपनी मेहनत के दम पे। खासकर अगर सप्तम भाव में शनिदेव अच्छे बैठे हैं तो जातक जैसे अपने परिश्रम के दम पे बहुत आगे निकल जाता है अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में और परिवार का नाम रोशन करता है। तो इसीलिए जैसे तीसरा भाव जो है वो हमारी मेहनत का है, तीसरा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तब कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो शनिदेव की अगर शुभ दृष्टि पड़ रही है तो जातक और भी मेहनत करेगा लगन के साथ, धैर्य के साथ और समय के साथ साथ उसे अच्छे फल मिलेंगे। और जैसे जातक का जो कम्युनिकेशन है, बात करने का जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका, वो भी सुधर जाएगा समय के साथ साथ। उसमें भी जातक को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जातक में आ जाएगी। फिर जातक के जो छोटे भाई बहनों के साथ जो संबंध है वो भी सुधर जाएंगे समय के साथ साथ। तो तीसरे भाव से हम कुछ नए चीज़ को शुरू करना भी दिखाते हैं। तो जातक अगर कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है या अपना कुछ नया शुरू करना चाहता है तो वो भी वो शुरू कर पाएगा। खासकर 35 साल के बाद वो ज़रूर कुछ अपना नया व्यवसाय या बिजनेस वो शुरू कर पाएगा। अगर उसमें मेहनत है, अगर वो लगन के साथ परिश्रम कर रहा है तो वो ज़रूर जैसे कुछ भी नया अपना जो व्यवसाय है वो शुरू कर सकता है। तो ये अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तब जातक को पता नहीं होता है कि वो किस दिशा में उसे मेहनत करना चाहिए। वो उसमें ऊर्जा तो होती है लेकिन उस ऊर्जा का व्यय किस दिशा में करना है, क्योंकि तब जातक के मन में बहुत सारे जो कहते हैं ना डाउट्स उत्पन्न हो जाते हैं। जातक हर चीज़ पे शक करने लगता है और उसे पता नहीं होता है कि मुझे क्या करना है, दिशाहीनता। ये अगर शनिदेव पीड़ित है तो ऐसा हो सकता है। तीसरा भाव मेहनत का है लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमें किस दिशा में मेहनत करनी है, ये बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपना कुछ नया प्रोजेक्ट या बिजनेस या व्यवसाय शुरू कर पाएंगे। या अगर हम कोई नया जॉब करना चाहते हैं वो भी हम कर पाएंगे, लेकिन मेहनत किस दिशा में करनी है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं शनिदेव की अगली दृष्टि जो है शनिदेव की दशम दृष्टि, जो कि कर्म की दृष्टि है, वो पड़ेगी आपके चौथे भाव पे, जो माता का भाव है। ऐसा भी हो सकता है शनिदेव की स्थिति अगर अच्छी है तो माता जो है वो ऐसी होगी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट होगी, बहुत ही अनुशासित होगी और बहुत ही नियमों को मानने वाली होगी, और जातक पे भी तरह तरह के जैसे रिस्ट्रिक्शंस या जातक को भी मजबूर करेगी कि बचपन से वो मतलब अनुशासित, वो चाहेगी कि जातक भी अनुशासित बन जाए और नियमों को मानना पड़ेगा जातक को, क्योंकि माता जो है वो बहुत ही अनुशासित होगी। ऐसा भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जातक अपनी माँ को गलत भी समझ सकता है, या जैसे जातक और उसकी माँ में मतभेद भी हो सकता है, या जैसे मन मुटाव या उनके जो संबंध है माता के साथ जो संबंध है उसमें जो मधुरता होनी चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। लेकिन समय के साथ साथ माता को समझना भी ज़रूरी है। समय के साथ साथ हम जैसे माता पिता के बारे में आलोचना करना ये तो गलत है, और जैसे ऐसा उनका जनरेशन अलग है, उनकी सोच अलग है। तो जैसे शनिदेव पे खासकर अगर जैसे बृहस्पति या गुरु की दृष्टि है तो जातक ये समझ पाता है कि हाँ मेरी माँ जैसे अलग तरीके से सोचती है लेकिन मुझे उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये समझ जातक में आ जाती है, ये बहुत ज़रूरी है।
अपने माँ का सम्मान करना, तीसरी दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पे, पिता का सम्मान करना, माता पिता का आशीर्वाद लेना, ये अगर आप करेंगे तो भी शनिदेव सप्तम भाव में बैठ के आपको बहुत अच्छे फल देंगे। तो चौथे भाव पे शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ रही है, तो माता के साथ भी संबंधों को समय के साथ साथ जातक सुधार ज़रूर लेता है और माता के प्रति भी वो कर्तव्य परायण हो जाता है अगर शनिदेव की स्थिति लगभग ठीक है। अगर शनिदेव आप किसी के कुंडली में पीड़ित भी हैं तो भी आपको कोशिश करना चाहिए, जातक को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने कर्मों को सुधार ले। तो शनिदेव चाहे कैसे भी बैठे हों आपको ज़रूर अच्छे फल ही देंगे सप्तम भाव में बैठकर। अब चलते हैं चौथा भाव, हमारे मन की शांति, मन का सुख, वो भी हम चौथे भाव से देखते हैं। थोड़ी सी कमी भी अगर आई थी मन की शांति में शुरुआत में, जैसे मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है, घर आपको ऐसा लग सकता है कि आपके घर में आपको मन की शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि शनिदेव कमी को दर्शाते हैं, अभाव को भी दर्शाते हैं, तो मन की शांति में भी अभाव आ सकता है। लेकिन 35 साल के बाद ज़रूर आपको आपके घर में ज़रूर सुकून, मन की शांति आप ज़रूर प्राप्त कर पाएंगे। ये 35 साल की 30-35 साल के बाद ये ज़रूर देखा गया है। और जैसे पढ़ाई में, जैसे स्कूल की शिक्षा में थोड़ी बहुत बाधा आई होगी, ऐसा भी हो सकता है। और जैसे चौथे भाव से हम हमारी संपत्ति को भी देखते हैं, जैसे आपका अपना घर, अपना आपका अपना मकान या आपके वाहन, तो उनको भी प्राप्त करने में थोड़ी सी विलंब की स्थिति। और वैसे भी अगर शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हैं तो जातक को ये परामर्श दिया जाता है कि उसे अपना घर 36 साल के बाद, 36 ईयर्स की उम्र के बाद ही उसे अपना घर बनाना चाहिए। अब चलते हैं हम शनिदेव की अगली दृष्टि, जो है शनिदेव की 11वीं दृष्टि, जो पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। तो कॉलेज की शिक्षा या हाई स्कूल की शिक्षा में थोड़ी बहुत बाधाएं आई होंगी, ऐसा हो सकता है। या अगर शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक ने अपनी पढ़ाई जो की होगी वो बहुत ही मेहनत के साथ की होगी, बहुत ही लगन के साथ उसने पढ़ाई की होगी, ये भी हम कह सकते हैं। संतान के जन्म में थोड़ी बहुत बाधा आ सकती है, विलंब की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या संतान के साथ संबंध में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन शनिदेव की स्थिति ठीक है तो जैसे आगे चलकर 35 साल के बाद संतान के साथ भी जैसे संबंधों में सुधार आ जाता है। या अगर शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है तो हम ये भी कह सकते हैं कि संतान जो आपकी, आपका जो संतान होगा, खासकर आपका जो पहला, आपकी जो पहली औलाद, तो पहला संतान हमेशा बहुत ही अनुशासित होगा। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो संतान भी बहुत ही अनुशासित, बहुत ही मेहनती, कर्मठ, ऐसा भी हो सकता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि संतान को माता पिता से दूर रहना पड़े पढ़ाई की वजह से या नौकरी की वजह से, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब हम कह सकते हैं। और पंचम भाव से हम देखते हैं कलात्मक शक्ति को, आपके अंदर जो भी हुनर है, कला है, तो शायद आप में कोई कलात्मक या सृजनात्मक शक्ति है, लेकिन उसका प्रदर्शन करने का आपको कभी शायद मौका नहीं मिला था क्योंकि आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां थी। लेकिन 35 साल के बाद, 35 साल की उम्र के बाद आप अपनी कलात्मक शक्ति का भी प्रदान कर सकते हैं। मान लीजिए जातक अच्छा लेखक है तो वो एक अच्छा लेखक भी बन सकता है, वो जैसे अपना ब्लॉग शुरू कर सकता है, अपना खुद का ब्लॉग शुरू कर सकता है और लिख सकता है, तो ये भी वो शुरू कर सकता है जैसे 30-35 साल के बाद, तो ये भी हम कह सकते हैं। अब चलते हैं शनिदेव की अंतिम दृष्टि की ओर, अंतिम दृष्टि जो कि 12वीं दृष्टि, वो पड़ेगी आपके छठे भाव पर। तो छठा भाव जो है वो रोग, शत्रु और जैसे लोन्स को दिखाते हैं, आपके शत्रु को दिखाते हैं, और डिजीजेस, रोग को दिखाते हैं। तो शनिदेव भी ये जो नकारात्मक चीज़ें हैं इनमें शनिदेव बाधा उत्पन्न करेंगे, तो आपको रोग से भी दूर रखेंगे। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो आपको हर तरह के रोग से दूर रखेंगे, आपको बचा लेंगे, आपको शत्रु से भी शनिदेव बचा लेंगे। और जैसे अगर आप कोई लोन भी लेना चाहते हैं तो उसमें भी विलंब की स्थिति पैदा हो सकती है। और जो छठा भाव है वो आपके दिनचर्या का भी भाव है। तो शनिदेव की स्थिति अगर सप्तम भाव में अच्छी है तो आप बहुत ही अनुशासित होके आपका जो दिन है वो व्यतीत करेंगे,
आपका दिनचर्या हमेशा जैसे बहुत ही अच्छा होगा, आपकी जो डेली रूटीन है वो बहुत ही एक प्रॉपर और एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में आप अपना दिन व्यतीत करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। अनुशासित होना, अपने प्रतिदिन अगर हर दिन हम अनुशासित बन के वो पूरा दिन व्यतीत करें, तब हम अपने जीवन में ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। तो डेली रूटीन, प्रॉपर डेली रूटीन मेंटेन करना ये बहुत ज़रूरी है। शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो जातक ये करता है, अगर तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लेकिन शनिदेव की स्थिति अगर सप्तम भाव में अच्छी नहीं है, तो बारहवीं दृष्टि पड़ रही है आपके छठे भाव पर, तो जातक कभी कभी अनुशासित नहीं होता, उसकी जो डेली रूटीन है वो हमेशा जैसे क्या अपने डेली रूटीन में डिसिप्लिन नहीं होता, तो इसकी वजह से उसके स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है। तो उसके शत्रु उससे अधिक बलवान हो जाएंगे फिर। और शत्रु मतलब क्या, शत्रु मतलब ऐसे लोग हैं जो जैसे हमें हानि पहुंचा सकते हैं, उन्हें हम शत्रु कहते हैं। लेकिन जीवन में जो बाधाएं आती हैं वो भी तो एक तरह से हमारे शत्रु ही हैं। तो छठा भाव जो है वो हर तरह की बाधा का है। तो अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, अगर आपका दिनचर्या ठीक नहीं है, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप कभी भी जीवन में जो बाधाएं आएंगी उनको आप कैसे पार करेंगे फिर। तो हर बाधा से, विपत्ति से लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो प्रिय दर्शकों, हम ये देख पा रहे हैं कि शनिदेव अगर सप्तम भाव में बैठे हैं तो वो जैसे बारहवीं दृष्टि उनकी जैसे छठे भाव पे पड़ रही है, और छठे भाव से अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है सप्तम भाव में, तो जातक को किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म डिजीज़ या लॉन्ग टर्म इलनेस भी हो सकती है। मतलब यही है कि शनिदेव यही चाहते हैं कि हम अनुशासित हों, शनिदेव यही चाहते हैं कि हम कर्मठ बन जाए। अब हम जैसे शनिदेव विलम्ब की स्थिति को दर्शाते हैं क्योंकि शनिदेव समय को दर्शाते हैं, शनिदेव न्याय के कारक हैं। तो शनिदेव न्याय ज़रूर करेंगे जातक के साथ, समय के साथ जातक को फल ज़रूर देंगे, लेकिन शनिदेव यही चाहते हैं कि हम जैसे परिश्रम करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें, हम धैर्यवान बन के, अनुशासित बन के मेहनत करते रहें, तब शनिदेव हमें ज़रूर अच्छे फल देंगे। और सप्तम भाव में बैठ के शनिदेव हमारे जीवन के इतने सारे क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनकी जो दृष्टियाँ हैं, नाड़ी ज्योतिष में हम ये देखते हैं कि उनकी दृष्टियाँ बाकी आपके कुंडली के बहुत दूसरे भावों पे भी उनकी दृष्टि पड़ती है। तो इसकी वजह से शनिदेव सप्तम भाव में बैठकर आपके जीवन के बहुत जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को भी वो प्रभावित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।